क्लास सिक्स चैप्टर 1.3 क्लास सिक्स है, इसमें आपको 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे। 9 क्वेश्चन देखो, हाउ मच इज 6,21,426 less than 10 lakh? ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का। स्टेट ये कह रहा है कि हाउ मच इज 6,125 लेस देन 10 लाख। अब 10 लाख, देखो 1 लाख 10 लिखते हैं अपन, कैसे लिखते हैं 1 लाख, तो 10 लाख कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 1 0 लगा, 1 2 10 लाख हो गए। 10 लाख से कितने कम है? 6 लाख। 6,21,456। देखो उसे डिजिट के सामने रखा, लाख की जगह लाख रखा, हजार की जगह में 2 रखा, 1 रखा, 4 5 6 रखा। अब देखो यहां पर सर इसको लेस देन करना है, यानी इसको सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करना है तो अपन जानते हैं कि 1 कैरी लेना है इसमें, यहां पे 0 हो जाएगा और यहां पे 10 10 10 हो जाएंगे। 10 में से 4 गया, 9 गया, 4 हो जाएगा। यहां पे 9 बच गया क्योंकि 10 में से 1 गया, 9 9 में से 5 गया, 4 बच गया, 9 बच गया, 9 में से 4 गया, 5 बच गया, फिर 9 बचा, फिर 8 बच गया, फिर 9 बचा, 7 बच गया, फिर यहां पर 4 बच गया, यहां पर 3 बच गया, 3 बच गया। देखो ये आपके पास में इसके आंसर आ गए। तो फ्रेंड्स अपने ये संख्या कितनी कम है, तो हाउ मच, तो 3,78,544 इज लेस देन 10 यानी ये लेस देन है, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, इसमें देखिए सीमेन है ₹2,45,67,420। कितने रुपए उसके पास में ही है 2,545,67,420। अब उसने इसमें से बता रहा है कि he gives his wife, he gives his wife रुपए के लिए उसने 41,71,400। और इस सन को दिए रुपए इसने 47,56,340 इस सन। रेस्ट ऑफ इज टोटल, तो रेस्ट ऑफ इज टोटल है, तो इसमें देखिए यहां पर इसने अपने बेटे को अपनी पत्नी को दिया 41,76,400 रुपए और बेटे को दिया 47,56,340। दोनों का सम करो पहले, तो ये हो गया 0, 4, 7, 12, 13, 9 और 8।
ये हो गया कितने हैं। अब अपने पास में ये दोनों का समुदाय जितना दिया है, कितने दे दिए भाई बच्चों को उसने, अपने पत्नी और उसको, अब अपनी बेटी को कितना दे रहा है, तो बेटी के लिए इसमें से कटा दो। देखो बेटी के लिए कितने हो गए 2,45,67,2,45,67,420, इसमें से ये अमाउंट कटा दो 89,32,740। देखो जीरो का जीरो 12 में से गया तो 4,48, 13 में से 6 गया 7 गया तो 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 में से नहीं जाता तो 15 हो गया, 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ पे 13 हो रहा है 13 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पर फिर 1, तो 1,56,34,680 रुपए उसकी बेटी को मिले। तो he gives his daughter 1,56,34,680 rupees ये अमाउंट दिया उसने अपने पुत्री को, अमाउंट दिया। तो आई होप समझ गए आप इसमें इसमें करना क्या था, उसके पास में इतने रुपए हैं, जैसे मान लो सपोज करो कि राम के पास में 100 रुपए थे, 50 रुपए उसने अपनी मम्मी को दे दिए, मम्मी से लिए और मम्मी को दे दिए, मतलब समझ लीजिए, और 50 रुपए अपने बेटे को दे दिए, तो उसके पास में कितने रहे, जीरो रहे। अब हुआ अपने अपने बेटे को कितना दे रहा है, अपनी वाइफ को कितना देगा, तो इसके लिए अपन यहां पर ये समझ लो कि यहां पर इसके पास में अमाउंट इतना था, इसने रेस्ट इतना दे दिया, इतना दे दिया, यानी 2,45,67,420 रुपए थे उसके पास, 2,45,67,420 रुपए, इसमें 41,76,400 उसके वाइफ को दिए, 47,56,340 अपने बेटे को दिए, और रेस्ट निकालने के लिए पहले इन दोनों का सम किया, सम को फिर अपन ने उसमें से सब्ट्रैक्ट किया अमाउंट में से जो सब्ट्रैक्शन निकला, जो आंसर आया वो हमारे पास में 1,56,34,680 रुपए उसकी पुत्री को प्राप्त होंगे। ये समझ लीजिए आप, ये आपको समझना है, क्लियर हो गया। अब 11 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो एक पेन पोस्ट दे रखी है 1 रुपए 1 और 100 रुपए दे रखे हैं 10 रुपए एप्पल दे रखे हैं उसमें 14 रुपए का ऑरेंज दे रखना है 40 रुपए पर केजी ये ईच ऐसा रहे ना ये ईच है ये समझो ये पर केजी आ गया और नोटबुक है ये तो 14 रुपए का है और ये आपके पास में एप्पल जो है 74 रुपए पर केजी 75 रुपए पर केजी है ये सवाल थोड़ा सा ढीला है और ये है नोटबुक जो दे रखी है वो दे रखी है 10 रुपए। देखो बच्चों ये सवाल के अपने मुख्य पॉइंट है, इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि एक पेन की कॉस्ट 50 रुपए दे रखी है, सॉफ्ट की कॉपी कितनी दे रखी है और एप्पल की
पोस्ट इंटर किए पंडित जी ने और रेंज को पोस्ट इंटर। अब यहाँ पर ये एक कोई भी अमाउंट है फर्स्ट क्वेश्चन प्रकार में आपको टू पेन्स ले रहा है, थ्री नोटबुक ले रहा है, फोर सॉकेट ले रहा है, एक्स 3 kg एफ ले रहा है और 6 kg ऑरेंज ले रहा है। तो अब इनके जो भी आपके अमाउंट आपको टोटल बिल करना है, तीन अमाउंट बिल है, अमाउंट है, क्वांटिटी है, देखो यहां पर है पेन, नोटबुक, सॉकेट, सॉकेट्स, एप्पल और ऑरेंज, ये पांच आइटम है। पेन कितने खरीदे? 2 पेन खरीदे। कितने रुपए के हुए भाई? 2 पेन 8 रुपए के, यानी 16 रुपए के, 16 का। नोटबुक किसकी खरीदी? 3 नोटबुक खरीदी, 3 × 10 यानी 30 रुपए हो गए इसके, क्योंकि नोटबुक 10 रुपए का ईच, एक 10 रुपए का। सॉकेट जो उसने खरीदे वो कितने खरीदे? सॉकेट 4 और 4 का 1400 रुपए खरीदे, क्योंकि 14 का ईच है, एक 14 का पड़ रहा है, तो 56 रुपए इसके हो गए, 56 ही आ गया टेबल के आगे से। आप ही बच्चों याद करो, इसको याद करेंगे तो अच्छे ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। एप्पल अपने पास में 3 kg, 3 × कितना हो गया? 75, तो 15 और 21 225 रुपए का ये हो गया। ऑरेंज है वो 6 kg है, 6 है तो 40 के, 6 × 40 तो 240 का ये हो गया। इनका सम कर लीजिए, देखो 6 6 12 5 17 5 2 7 7 8 7 5 12 12 और 3 15 16 3 4 5 567 रुपए का आंसर आ गया। देखो 6 6 12 5 17 2 3 5 5 10 12 12 4 16 3 2 5 567 रुपए का आपके पास में अमाउंट आया है। ये 567 रुपए आपके टोटल बिल के होंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क में दिया जाएगा।